हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं मोमोज की चटनी बनाने वाली हूँ। मोमोज बनाने हैं इसलिए उसके पहले उसकी चटनी बनेगी, तो इसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। बहुत तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी वाली है तो आप कम डालें। इसके लिए मैंने 5 टमाटर लिए हैं, 5 लाल मिर्ची ली है। इन सबको हमने बॉईल करना है। पानी मैंने रख दिया है पैन में। अब ये मिर्ची हमने डाल देनी है। पहले मिर्ची डालनी है क्योंकि मिर्ची की ये ऊपर वाली स्किन होती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है। हाई फ्लेम पे करना हमने। ये उबल जाए, एक बॉईल आता है, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। गाइस ये बॉईल हो रहे हैं, बॉईल आ गया। अब इसमें हम अपने टमाटर डालेंगे। दस मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे अच्छे से, ताकि ये हमारी टमाटर की स्किन उतर जाए। ये चमड़ी जो है ना, स्किन जो है मोटी वाली, पीछे वाली छिलका, वो उतर जाए। बॉईल हो रही है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी स्किन पे झुर्रियां आ रही हैं। ये देखो, ये झुर्रियां आ रही है ना, इसकी स्किन स्किन अब उतर रही है। 1 मिनट और पकाएंगे इसको, बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। बस बंद कर देंगे गैस। गैस बंद कर दी मैंने, गैस बंद कर दी है। ढक के हमने 5 मिनट तक रखना है। ढक्कन को उतार दिया मैंने। अब इसको हमने अच्छे से छलनी में, देखो इसकी स्किन उतर रही है ना, ऐसे ही हमने किया, इसकी उतर रही है। ठंडा करके फिर इसको छीलना है। इन सबके छिलके निकाल रही हूँ, अब थोड़ा ठंडा हो गया तो। ये देखो, इसके छिलके निकालने हैं हमने। गाइस अब इन सबको उठा के इसमें डालना, हमने सारा कुछ पीसना है। देखें ये टमाटर और मिर्ची का कलर, देखें कितना सुंदर कलर आया है। बीज भी हमारे पीस चुके हैं, सारे पीस गए हैं, थोड़ा थोड़ा पीसेस रह गए हैं। इस चटनी को आप पिज्जा बेस पे भी लगा के खा सकते हो, पिज्जा बना के इसका। इस चटनी के 2-3 तरह के बन सकते हैं, और इसको आप पिज़्ज़ा पे भी लगाएंगे ही। और ये मोमोज चटनी है ही, और ये क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोनी में भी आप डाल सकते हो, पास्ता में भी डाल सकते हो। गैस जलाई है चटनी में तड़का लगाने को। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते। ये उसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन है
मैंने चॉपर में चॉप किया है बारीक बारीक, 2 चम्मच। ज्यादा हमने नहीं भूनना है इसको। अब मैंने 2 चम्मच अदरक डाला, डालते समय शूट करना ही भूल गई। वेरी गुड। जितना ही लहसुन है, 2 चम्मच, 2 चम्मच भर के मैंने अदरक कद्दूकस किया था, सॉरी चॉपर में चॉप किया था, वो डाल दिया। इसको भी हमने ज्यादा नहीं भूनना है। हो गया। अब हम इसे, जो हमने ये जो पीसा था ना, ये चटनी पीसी थी, ये हमने डालना है इसमें। जो ये जो पीसेस रह गए हैं ना, ये इसी में सारे मिक्स हो जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें, क्योंकि तो खट्टी होती है तो नमक ज्यादा जाता है इसमें। 1/4 चम्मच डाला मैंने। एक चम्मच सिरका डाल रही हूँ। सिरका से हल्की सी खटास हो जाएगी। और 1 चम्मच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, इससे इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। लास्ट में 1 चम्मच चीनी, क्योंकि ये खट्टे मीठे को बैलेंस करेगी। ये हमारी मोमोज की चटनी तैयार हो गई। 10 मिनट लगेंगे इसको, इसका पानी सूखने में। अगर आपको और खट्टी, गले को क्या हो गया, और खट्टी चाहिए होगी, थोड़ी सी ना मिर्ची लग रही है गले में, जबकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तब भी ये तीखी वाली है। दस मिनट हो गए इसको, ये देखो सारा ऑयल ऊपर आ गया, इसका पानी भी सूख गया। ओए होए, कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। पंजाबी बोल देना, बहुत बढ़िया फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अभी 5 मिनट और इसको पकाएंगे। हमने ढका इसलिए कि सारे छींटे इधर उधर पड़ेंगे। ये हो गई हमारी 3-4 तरह की, 3-4 जगह यूज करने वाली चटनी हो गई। आपने और ज्यादा खट्टी खाने है ना, और ज्यादा, तो आप इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हो। मैंने डाली क्योंकि टमाटर में ही खटास है, और हमने सिरका भी डाला, वो भी खट्टा ही होता है। इस चटनी को हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और हमने फ्रिज में रख देनी, फ्रिज में हमारी खराब ही नहीं होनी। बाहर भी रखोगे तो भी खराब नहीं होगी। गैस बंद कर दिए मैंने, ये सूख गया सारा। इसको हमने कांच की बॉटल में भर के रख देना है। ठंडी होने पे ना कांच की बॉटल में भर देना। हल्की हल्की ठंडी हो गई है, अब इसे हम कांच की बोतल में भर देंगे। अब देखो मैंने इसमें भर दी है। अभी हल्की हल्की गर्म है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखना है, 1 घंटे तक हमने ऐसे ही रखना है। बस हो गई हमारी ये इसकी चटनी, मोमोज वाली चटनी। तो ओके गाइज, आप भी बनाएं और सबको खिलाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके गाइस, बाय, लव यू।